मिल जाए खुदा तो कुछ गुफ्तगू कर ले, अपने दर्दों की कहानी तुझसे ही शुरू कर ले, और सुनकर दर्द मेरे तू भी पिघल जाएगा। ये दावा है मेरा तेरी आंखों से आंसू निकल आएगा, ये दावा है मेरा तेरी आंखों से आंसू निकल आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज, मैं अभिजीत शर्मा आपके साथ। हमारे यहाँ बेटियों को चलने से पढ़ने तक की सीख दी जाती है, लेकिन बेटों को प्रकृति के हवाले छोड़ दिया जाता है। वो घास की तरह बेपरवाही से बड़े होते हैं, ना अपने शरीर और मन की समझ होती है और ना ही उस सीमा की जिन्हें उन्हें नहीं लांघना चाहिए। बलात्कार, जी हाँ, बलात्कार तो आपने सुना ही होगा, और ऐसी ही एक घटना राजस्थान के भीलवाड़ा से सामने आ रही है, जहाँ चार दरिंदों ने मिलकर एक नाबालिग का बलात्कार किया और इतना ही नहीं, उनके टुकड़े कर कोयले की भट्टी में फेंक दिया। बताया तो जा रहा है कि उन चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन गिरफ्तार करने से क्या होगा? सजा होगी, उम्र कैद होगी, लेकिन उस दर्द का हिसाब कहाँ होगा जो उस 14 साल की नाबालिग बच्ची ने झेला है। वो हैवान तो अपनी हैवानियत दिखा गए, लेकिन जब बारी सरकार को इंसानियत दिखाने की आती है, तब वो क्यों पीछे हट जाती है? क्यों किसी को वो दर्द महसूस नहीं होता, वो चीखे सुनाई नहीं देती? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हिंदुस्तान में पैदा होने वाली हर बच्ची गर्व महसूस करने के बजाय शर्म महसूस करने लगेगी। वो सोचेगी कि मैं हिंदुस्तान में पैदा क्यों हूँ, जहाँ की कानून व्यवस्था ऐसी है जिन्हें बलात्कार दिखाई तो देता है, लेकिन उसके पीछे का दर्द और उसके पीछे की चीख सुनाई नहीं देती। आज मैं कोशिश करूंगा उस दर्द को बताने की और उस चीख को सुनाने की। माध्यम है मेरी ही लिखी हुई एक कविता, जिसका उन्वान है मैं क्यों हूँ बेटी हिंदुस्तान की। रोती है, तड़पती है आत्मा मेरी, रूह झकझोरती है अंदर तक जाने, दर्द होता है, मैं क्यों हूँ बेटी हिंदुस्तान की। किसी ने हवस मिटाई तो किसी ने दरिंदगी से नोचा, तार तार कर दिया मुझको तो कहीं चार ने एक साथ दबोचा। किसी ने दिया उदाहरण मर्दानगी किसान की, दर्द होता है, मैं क्यों हूँ बेटी हिंदुस्तान की। मैं चीखती रही चिल्लाती रही पर कोई नहीं था सुनने वाला। कुछ लोगों ने देख कर अनदेखा कर दिया, क्योंकि उनकी आंखों पर था कानून का पट्टा काल। लेकिन क्यों उनके अंदर का इंसान जगा नहीं? सिर्फ इसलिए कि उनसे मेरा रिश्ता सगा नहीं। शायद तभी जगेगा कोई भाई पति या बेटा, जब बाजी लगी हो उसकी माँ बहन या पत्नी की आन की। दर्द होता है, मैं क्यों हूँ बेटी हिंदुस्तान की, मैं क्यों हूँ बेटी हिंदुस्तान की। हर रोज वो मुझ जैसी को उठाते रहेंगे, हर रोज वो मुझ जैसी को उठाते रहेंगे, और लोग ये खबर आपस में सुनाते रहेंगे। कुछ बोलेंगे कि घिन आती है उन लड़कों पर, या कुछ मोमबत्ती लेकर निकल पड़ेंगे सड़कों पर मैं तो बाजी लगा चुकी हूँ इज्जत और जान की। दर्द होता है, मैं क्यों हूँ बेटी हिंदुस्तान की, आखिर क्यों हूँ बेटी हिंदुस्तान की। कैसा है कानून यहाँ जिससे व्यवस्था नहीं संभलती है, कैसा है कानून यहाँ जिससे व्यवस्था नहीं संभलती है। हैवानियत ये जो हो रही है, ये सरकार की ही तो गलती है। अरे एक उदाहरण तो ऐसा दो कि कानून को तुम लांग दो, एक उदाहरण तो ऐसा दो कि कानून को तुम लांग दो, बीच चौराहे पर इनको सूली पर तुम टांग दो। लेकिन सरकार बनाएगी दामाद इन्हें, और ये तोड़ेंगे रोटियां शान की। दर्द होता है, मैं क्यों हूँ बेटी हिंदुस्तान की, आखिर क्यों हूँ बेटी हिंदुस्तान की।